फेस्टिवल सीजन के चलते जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गौरव शर्मा द्वारा पंचकुला के कई जगहों पर छापेमारी की गई। ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन में विशाल डेयरी की फैक्ट्री में रेड की गई, जहां से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर आई मिठाई के कई चीजों के सैंपल बरामद किए। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी टीम ने छापेमारी की, क्योंकि त्योहारी सीजन के चलते मिलावटी चीजें बेची जा रही हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरी अलर्ट है। आपको बता दें कि शहर की कई मिठाई फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट और डेयरी पर छापेमारी की गई है, जहां से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं, और अगर ये सैंपल खराब पाए जाते हैं तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से त्योहार के सीजन में मिलावटी मिठाइयों का डर बना रहता है, नकली खोए का, नकली पनीर का, दूषित मिठाइयां, ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिस तरीके से रेड की जा रही है, इसके बारे में बताएं, अब तक कहां कहां रेड की जा चुकी है और ये विशेष अभियान क्या चलाया जा रहा है? मैम, जब से फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है तभी से रेड स्टार्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट रोज रेड्स हो रही हैं, और जैसे कि आज हमने अनुपम स्वीट्स, गोपाल स्वीट्स, नंद स्वीट्स, विजय डेयरी और हरियाणा एजेंसीज में अभी खड़े हैं, तो यहाँ हम गए हैं और सैंपल्स लिए हैं। सैंपल्स लेके उनको हम कल ही वहाँ भेज देंगे लैब में, और आगे भी ये रेड्स ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। जी, इसमें किस तरह का सजा का प्रावधान है, क्या कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है? मैम, इसमें है सबस्टैंडर्ड, मिसब्रांडिंग, इन दोनों में जो है फाइन, और अनसेफ में 1 ईयर इंप्रूवमेंट प्लस फाइन। तो पूरी टीम आपकी मौजूद है आज यहाँ पर, जिस तरह से रेड कलेक्ट की गई है, इसमें सैंपल क्या क्या सील किए गए हैं सर? मैं मोस्टली मिठाइयों के सैंपल सील करे हैं, क्योंकि मिठाइयों में और डेयरी प्रोडक्ट्स में ही इस टाइम पे ज़्यादा गड़बड़ होने की आशंका होती है, तो मिठाइयों पे ज़्यादा जोर है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।